गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जस्टिस लोडा रिफॉर्म चैनल से राकेश अंडा बोल रहा हूँ। तो आज का जो इशू है, जो कल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पे ही है और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की जो रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेज हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करूँगा कि कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन जो नहीं है, इन्होंने कैसे इसको खिलाया। जो मैचेस थे चार पंजाब में, उसमें से तीन मैच पटियाला में हुए हैं और एक मोहाली में हुआ। तो ग्राउंड तो मोहाली में बना था क्रिकेट के लिए, तो पटियाला को प्रमोट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पहला तो इशू ये है। और दूसरी बात, जब पटियाला में मैच हुए, पहला मैच हुआ उसमें इन्होंने 443 रन्स किए, और जो बाद के मैचेस हैं दो मैचेस, वो एक मैच तो डेढ़ दिन में ख़त्म हो गया, 40 विकेट डेढ़ दिन में ख़त्म हो गई, आउट हो गए। और जो लास्ट मैच था वो सवा दो दिन में ख़त्म हो गया, 80 विकेट्स जो इन्होंने चार दिन में गए। एक तो इन्होंने बच्चों की परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क किया, एक अपनी मैनेजमेंट दिखाई कि हम बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, जो कि सेक्रेटरी साहब नए आए हैं, प्रेसिडेंट साहब भी बड़े इन्वॉल्व हैं, अब वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी जो सारे अपने आप को कह रहे हैं फन्ने खाम हैं, हम बहुत बड़े फन्ने खाम हैं, बहुत बढ़िया क्रिकेट खिलानी आती है। तो उसके बाद देखिए आप, 22 लोगों ने खेली इस बार, ये क्रिकेट हो रही है, 9 बंदों का डेब्यू है, जबकि जो अच्छी टीम्स होती हैं वो 14-15 की टीम को लेके टीम को डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये मैनेजमेंट के नए फंडे आए हैं कि 22 लोगों को इसमें चांस दिया गया, दो टीमें खेल गई, कमाल की क्रिकेट खिला रहे हैं जी, आप तो कमाल की क्रिकेट खिला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। आप 5 टेस्ट मैच, दो दो सीरीज में 22 लोग नहीं खेले, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद चलिए आगे शुरू हुआ जी परफॉर्मेंसेस। एक जो 3-4 बैट्समैन को छोड़ के 10 से एवरेज ही नहीं ऊपर, 6-6 मैच खिला दिए, 7-7 इनिंग, 50 रन नहीं हुए टोटल। और एक बहुत बढ़िया है, एक अकुल पांडव जी खेले, अच्छा बच्चा है, एक मैच खेला है, उसके 44 रन्स भी हैं और 3 विकेट भी हैं, उसको बाद के मैच क्यों नहीं खिलाए? क्यों खड़ा बनाया था विकेट, उसको परफॉर्मेंस जीरो होती इसलिए नहीं खिलाया, दिखाना नहीं था उसको, अच्छा तो खिलाते ना, मतलब अपने बच्चों को छुपाने के लिए करते हैं, क्या क्रिकेट खिला रहे हो आप? और जिनको बेड़ा कर करना उनको डाल दो अंदर, जिनका कैरियर खराब करना उनको अंदर डाल दो, बहुत अच्छी बात है। अब ये बातें ना पहले छुपी रहती थी, अब कोई बात छुपी नहीं रहेगी। हम AGM में ये क्वेश्चन करेंगे और हम क्रिकेटर इकट्ठे होकर प्रधान से पूछते हैं और सेक्रेटरी साहब से पूछेंगे और ये जॉइंट सेक्रेटरी जो अपने आप को कह रहे हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ कि इनके कुछ ऑडियोज़ हैं और उस पर एक्शन नहीं ले रहे, ये क्यों नहीं एक्शन ले रहे, ये सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी आपको कि सब लोगों की परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई। क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सेलेक्टर ऐसे हैं जो टेंटेड हैं, उनके रिकॉर्ड भी हैं, उनके रिकॉर्ड भी दे दूंगा आपको। एक मैनेजर है अंडर 19 का, उससे बाद अंडर 23 की टीम देखो, उसमें 21 लोग खेले हैं, और उसके बाद देखिए अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23, रणजी ट्रॉफी 6वें नंबर पे, एक टीम 8वें नंबर पे, एक तीसरे नंबर पे, ये टीमों का हाल है। और कह रहे हम क्रिकेट बहुत अच्छी खिला रहे हैं, हमें तो क्रिकेट खिलानी आती है। तो प्रेसिडेंट साहब थोड़ा सा आप ध्यान रखें अपने आप को कि हम क्रिकेट कैसे खिला, आप तो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और सेक्रेटरी साहब क्रिकेटर हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी क्रिकेटर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी कहता मेरे से बड़ी किसी को आती ही नहीं क्रिकेट। तो बाकी एपेक्स के मेंबर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बड़े समझदार हैं, वो भी इधर उधर से चुन के आए, कोई कपूरथला से तो कोई लुधियाना से, तो उनको भी तो सब समझ आए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, और इन चीज़ों पे जरा थोड़ी जोर से अब बात होगी क्योंकि ये परफॉर्मेंस है। और क्रिकेट के लिए जो मोहाली स्टेडियम बना है वहाँ क्रिकेट नहीं खिलानी, वहाँ तो शूटिंग करानी है, तो जो क्रिकेट खिलानी वो पटियाले ले जाओ और बाकी पंजाब में कुछ नहीं कराओ। तो थैंक यू वेरी मच।